खत्म 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 हो गया ब्रो, मेरा जिंदगी पूरा खत्म हो गया ब्रो, मेरा चैन भी 20 घंटे दे दिया ब्रो, मैं अभी क्या करूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ब्रो। तो गाइस क्या आपको पता है, इस बंदे का चैनल मोनेटाइज हो गया था और अचानक से इस बंदे का चैनल डीमोनेटाइज भी हो गया और इस बंदे ने यूट्यूब से $70 भी कमा लिए थे, बट अचानक से इसका चैनल रील्स कंटेंट में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रील्स कंटेंट की जो बीमारी है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये रील्स कंटेंट की प्रॉब्लम आती कैसे है, और रील्स कंटेंट अगर आपके चैनल पर आ जाए तो रील्स कंटेंट को कैसे हटाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके चैनल पे कभी भी रील्स कंटेंट आ जाता है तो आप किस तरह से अपने चैनल पर रील्स कंटेंट को हटा सकते हैं, मतलब एक चांस मिल सकता है आपको, अगर आपने ये गलती नहीं करी है तो आप अपने चैनल से रील्स कंटेंट को हटा सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट अभी मैं इस भाई के चैनल के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में आपने इंट्रो तो देख लिया होगा जहां पे मैंने इस भाई की वीडियो आपको दिखा दी है। तो इस बंदे का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इस बंदे के चैनल पर अगर आप सब्सक्राइबर देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं इस चैनल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आप चैनल देख सकते हो, पुरुलिया हीरो करके ये चैनल है और यहाँ पे सब्सक्राइबर कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप 63,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, और 254 इस पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इस बंदे ने क्या अपने चैनल पर गलती करी है वो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे चल के जब मैं इसकी वीडियोज पे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे दो वीडियो इस बंदे ने यही डाली है कि भाई मेरे चैनल डिमोनेटाइज हो गया, मतलब रील्स कंटेंट आ गया है। अगर मैं शॉर्ट्स पे जाता हूँ, ठीक है, और पॉपुलर पे जाता हूँ, तो इस बंदे ने जो मिस्टेक किया है वो यहाँ पे गाइस, ये दो जो पॉपुलर वीडियो है, ठीक है, ये दो पॉपुलर वीडियो है, इस बंदे ने यहीं पर मिस्टेक की है। और ये दो, मतलब दो जो वीडियो है इस पर अगर व्यूज देखोगे तो 19 मिलियन और 11 मिलियन इस पर व्यूज है, और जो यहाँ पे 4 मिलियन वाली वीडियोस है ना, ये इस बंदे की खुद की वीडियो है। तो यहाँ पे गाइस इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे एक वीडियो को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड कर दिया, ठीक है, शॉर्ट्स में इसको अपलोड कर दिया। तो ये किसी और का कंटेंट हो गया है जिसको कहते हैं रील्स कंटेंट, यानी कि यूट्यूब के रील्स कंटेंट की पॉलिसी में ये वीडियो आ जाती है अगर आप किसी और की वीडियो को डाउनलोड करके और अपने चैनल पे उसे अपलोड करते हो। सेम इस भाई ने वही किया है कि कहीं से वीडियो को उठाया और उसको डाउनलोड करके, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी चाइनीज ऐप होती हैं और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी फनी फनी वीडियो मिल जाती हैं, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, उन बंदों का चैनल रील्स कंटेंट में आ जाता है। अब इस बंदे ने कुछ अपना भी कंटेंट यहाँ पे मिक्स किया था, जैसे कि आप अगर वीडियो पे अगर जाओगे, इस चैनल पर जाओगे, जब वीडियोस देखोगे ना तो आप कहोगे यार इस बंदे की तो ये तो खुद की वीडियो है। हाँ मैं जानता हूँ कि इस बंदे की खुद की वीडियो है और ये बंदा मुझसे कह भी रहा है कि भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पे खुद की वीडियो बना रहा हूँ बट मैं मिक्स करके वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई बंदा मैजिक दिखा रहा है तो उसी मैजिक की ट्रिक ये बंदा भी करके दिखा रहा है और साथ में उसका मतलब मैजिक का राज भी खोल के दिखा रहा है कि ये मैजिक को आखिर करा कैसे गया है। बट इस बंदे ने अपनी वीडियो तो इसमें मतलब फेस कैम वीडियो तो अपनी बनाई है, उससे यूट्यूब को कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, चैनल ये मोनेटाइज हो जाता, किस कंडीशन में मोनेटाइज होता, अगर ये बंदा बोल कर बताता, जिस तरह से आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ये बंदा कोई भी मैजिक वीडियो को दिखाकर और उसका मतलब राज खोलता कि ये मैजिक कैसे किया गया है, असल में ये मैजिक को कैसे किया गया, अगर ये चीज़ वो बंदा बता देता तो ये वीडियो इस बंदे की खुद की हो जाती और ये चैनल मोनेटाइज हो जाता और आज ये बंदा यूट्यूब से पैसा कमाता। लेकिन इस बंदे की बस यही मिस्टेक हो गई कि इस बंदे ने म्यूजिक के साथ मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज़ करके और वीडियो को अपलोड किया है। तो आज इस बंदे का बहुत बुरा हाल है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस लगता है जब मैं बंदों के चैनल को चेक करता हूँ और उनके चैनल पर रील्स कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे गाइस आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इस बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया जहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिख कर आ रहा है कि इस चैनल है ना वो रील्स कंटेंट की पॉलिसी में आ गया है और चैनल को मतलब मोनेटाइज हुआ था उसको डिसेबल कर दिया गया है। तो बंदे के जो $70 है ना वो अचानक से गायब हो गए, मतलब गायब क्या हो गए हैं, वो $70 इस बंदे को नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि इस बंदे का जो चैनल है वो मोनेटाइज डिसेबल हो गया है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत सारे बंदों के साथ होता रहता है इस तरह से, जो लोग सही से अपने चैनल को चलाते नहीं है, मतलब सही से नॉलेज नहीं लेते हैं कि यूट्यूब चैनल को हमें कैसे चलाना है, यूट्यूब की जो पॉलिसी है ना उसको कैसे फॉलो हमें करना है, ये तो इस चीज़ को लोग चैनल बनाते टाइम ध्यान नहीं देते हैं, बट वो वीडियो पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उल्टी सीधी वीडियो को बस अपलोड करते हैं। वो लोग चाहते हैं मेरा फटाफट मोनेटाइज का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए और मैं फटाफट यूट्यूब से पैसा कमाने लगूँ। तो ना जाने कितने लोग इस तरह की गलती कर चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके चैनल पे रील्स कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप रील्स कंटेंट से कैसे बच सकते हैं। देखो, अगर आपके चैनल पे रील्स कंटेंट आ गया तो आपको एक अपील का ऑप्शन मिलता है, ठीक है,
अपील के लिए यूट्यूब कहता है कि आप एक बार अपील कर सकते हो अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लग रही है। तो अगर आप सही हो, ठीक है, अपने चैनल पे बिल्कुल सही हो, आप अच्छा सा कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हो और आपके चैनल पे आ गया है भाई रील्स कंटेंट, तो आप अपील कर सकते हो, यूट्यूब टीम को समझा सकते हो कि ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। हाँ, अगर आपका वॉइस ओवर वीडियो है और आपका फेस कैम वीडियो है तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप सही हो, आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। एक ऐसा एक सिस्टर के साथ हुआ था जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और मुझसे कहा था कि मेरा चैनल रील्स कंटेंट में आ गया। तो मैंने उनको आखिर क्या बताया था जिससे उनका चैनल आज मोनेटाइज है, ठीक है। उनके चैनल पे क्या होता था ना, वो अपने चैनल पर स्टोरी अपलोड करती थी। अपलोड मतलब कैसी स्टोरी होती थी, जो फोटो चलते थे, फोटो पे लिखा हुआ होता था, जो भी टैक्स होता था वो लिखा होता था, और उसी को पढ़कर वो वॉइस ओवर करती थी, ठीक है। और वो चैनल आ गया भाई रील्स कंटेंट में, क्योंकि यूट्यूब को लगा कि भाई ये कहीं से भी वीडियो को उठा के उन्होंने डाउनलोड करके और अपने जगह पे अपलोड किया है। तो भाई यूट्यूब को तो नहीं पता है ना कि ये कौन है, इसके पीछे का कौन है, तो आपको कुछ यूट्यूब को प्रूव करना पड़ता है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक वीडियो दो वीडियो फेस कैम अपलोड करना पड़ती है जब आप अपील करना चाहते हो। मतलब आपका रील्स कंटेंट आ गया है, अब आपको अपील करना है, तो आप एक दो फेस कैम वीडियो अपलोड करना पड़ेंगी। उसमें आपको बताना पड़ेगा यूट्यूब को कि मेरी ये ओरिजिनल वीडियो है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। इस तरह से आपको वीडियो बनाकर और उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब पे उसे पब्लिक करना पड़ेगा, और जब फिर उसके बाद आपको अपने चैनल को अपील करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आपका अपील रिजेक्ट हो जाता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने बाद आप री अपील कर सकते हो जो इस बंदे के साथ हुआ है। अब इस बंदे को री अपील करना होगा 3 महीने के बाद। तो अब 3 महीने के बाद जब री अपील आपको करना है, तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। आपको अपने चैनल पर बिल्कुल सही से चेक कर लेना है कि मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक तो नहीं किया है। हाँ, अब एक मिस्टेक और हो जाती है, आपको अपने चैनल पर सभी शॉर्ट्स वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो, उसमें आपको ये देख लेना है कि कोई ऐसी वीडियो तो नहीं है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक वाली भी बहुत सारे लोग अपलोड कर देते हैं। जैसे आपने शॉर्ट्स वीडियो, मान लो आपने 100 वीडियो अपलोड की फेस कैम या फिर वॉइस ओवर, एक वीडियो आपने अपलोड कर दी बॉलीवुड के सॉन्ग की, ठीक है। मान लो आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाई जिसमें आपने बॉलीवुड का सॉन्ग यूज कर लिया। अगर आपने चैनल को मोनेटाइज अप्लाई कर दिया और आपका रील्स कंटेंट आ गया, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको उस शॉर्ट्स वीडियो को डिलीट कर देना है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर कोई भी गाना लगाओ, उसको डिलीट कर देना और फिर से आपको अपील कर देना है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप अपने आए हुए रील्स कंटेंट को हटा सकते हैं, मतलब आप ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 100% हट जाएगा, अगर आप गलती करे हुए हो तो भाई आपका रील्स कंटेंट नहीं हटेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, यूट्यूब टीम आपके चैनल को जब भी चेक करेगी तो भाई आपके चैनल को वो कर देगी रिजेक्ट। तो अगर आप सही हो, अगर आपको लगता है कि मैं सही मायनों में बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ और मेरी खुद की वीडियो में फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ या फिर वॉइस ओवर बना रहा हूँ, फिर भी मेरे चैनल को यूट्यूब ने रील्स कंटेंट में डाल दिया है, तो आप अपील कर सकते हो, ये आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हो, तो आपका चैनल भी मोनिटाइज कर दिया जाएगा। यूट्यूब भाई, यूट्यूब टीम कभी भी किसी का गलत नहीं करती है। आप अगर सही हो तो यूट्यूब टीम कभी भी गलत चैनल को चेक नहीं करती है, बिल्कुल सही से आपका चैनल को बारीकी से चेक किया जाता है भाई, ऐसे ही चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाता है, बहुत कुछ उसमें चेक किया जाता है। तो अगर आपको जाना है कि चैनल को मोनेटाइज अप्लाई करने से पहले यूट्यूब टीम क्या क्या चेक करती है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।